इंसानी इतिहास में हमने कई घातक बीमारियों को देखा है जो कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस के चलते फैलती हैं। इन बीमारियों ने समय समय पर लाखों करोड़ों इंसानों की जान ली है। अगर उदाहरण के लिए कुछ साल पहले कोरोना महामारी को ही देखें, तो इस छोटे से वायरस ने कुछ ही सालों में करोड़ों लोगों की जान ले ली। इन बीमारियों में जान जाने का खतरा इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये काफी तेजी से फैलती हैं और हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स पर प्रभाव डालती हैं। और इस तरह की नई बीमारियों का पता लगाने और उनके वैक्सीन को डेवलप करने में भी कई साल लग जाते हैं। पर आज हम वैक्सीन डेवलप करने के जिस तरीके के बारे में बात करेंगे, आपको उसके बारे में जानकर काफी हैरानी होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि पौधों से वैक्सीन का उत्पादन किया जा सकता है? अगर आपने कभी इस बारे में नहीं सोचा, तो आपको बता दूं कि ऐसा होना संभव है। और इससे कुछ समय पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन को भी बनाया गया था। और इस प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज को दुनिया में सबसे पहले कनाडा सरकार ने उपयोग करने की मंजूरी दी थी, जो इंसानों में 70-80% सक्सेसफुल रही। और आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कैसे वैज्ञानिक पौधों की मदद से वैक्सीन का उत्पादन करते हैं, आखिर इस तरह से बनाई गई वैक्सीन इंसानी शरीर पर कितना असर करती है, और सबसे बड़ा सवाल, इस तरह से वैक्सीन का उत्पादन करने से आखिर फायदा क्या है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पौधों की मदद से हम कई खतरनाक बीमारी जैसे पोलियो की वैक्सीन को काफी आसानी से बना सकते हैं। और क्योंकि हम जानते हैं कि पौधों को उगाना काफी ज्यादा आसान है, जिन्हें दुनिया के किसी भी देश में आसानी से उगाया जा सकता है, इसलिए यह तरीका इंसानों के लिए काफी ज्यादा सस्ता और प्रभावी साबित हो सकता है। 1990 में जब प्लांट बेस्ड वैक्सीन बनाने की शुरुआत की गई थी, तब इसके प्रभाव पर कई डॉक्टर्स ने सवाल उठाए, पर जैसे जैसे यह रिसर्च आगे बढ़ती गई, तो इसके रिजल्ट काफी पॉजिटिव रहे, जिसे देखकर डॉक्टर्स और लोगों को भी यह विश्वास हो गया कि भविष्य में हम कई खतरनाक बीमारियों के लिए वैक्सीन को पौधों के द्वारा ही उगा सकते हैं। इंग्लैंड में मौजूद जॉन इनेस नाम का रिसर्च सेंटर काफी लंबे समय से प्लांट बेस्ड वैक्सीन बनाने पर काम कर रहा है। यहाँ के वैज्ञानिकों का मानना है कि यह तरीका काफी सस्ता है और इससे लाखों ऐसे लोगों की जान बचाई जा सकती है जो महंगी वैक्सीन को अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पर करीब 30 सालों से भी ज्यादा समय से प्लांट बेस्ड वैक्सीन बनाने पर काम किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत काफी ज्यादा धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाया गया और इसके रिजल्ट आए, तो वैज्ञानिकों के अंदर भी एक उम्मीद जगी कि प्लांट बेस्ड वैक्सीन भी कारगर हो सकती है। चलिए देखते हैं कि आखिर यह प्लांट बेस्ड वैक्सीन काम कैसे करती है। तो जब भी आप कोई वैक्सीन लेते हैं, तो उसके साथ आपके शरीर में कई ऐसे ऑर्गेनिज्म डाले जाते हैं जो आपकी बीमारी से जुड़े होते हैं। जैसे अगर कोरोना वैक्सीन का उदाहरण लिया जाए, तो कोरोना वैक्सीन में डेड कोरोना वायरस सेल्स को ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया गया था, इसलिए जब यह शरीर में जाते हैं, तो उन्हें हमारा शरीर बीमारी ही समझता है और इनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाने लगता है, जिसके बाद यह एंटीबॉडीज हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद एक्टिव कोरोना वायरस पर भी अटैक करने लगती है, जिससे कोरोना वायरस बॉडी से खत्म हो जाता है। साथ ही साथ शरीर में इससे भविष्य में लड़ने के लिए एंटीबॉडीज भी बन जाती हैं। इसी तरह सभी वैक्सीन काम करती हैं, पर इस तरह की वैक्सीन को बनाने में कई साल लग जाते हैं। आपने कोरोना वायरस के समय भी देखा होगा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को बनाने में वैज्ञानिकों को कई साल लग गए, और इसके अलावा इसके प्रोडक्शन में भी काफी लंबा समय लगता है। पर अगर प्लांट बेस्ड वैक्सीन की बात की जाए, तो यह काफी ज्यादा तेजी से बनाई जा सकती है। इस पर काम करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ ही हफ्तों के दौरान बड़ी संख्या में प्लांट बेस्ड वैक्सीन का उत्पादन किया जा सकता है, जो इमरजेंसी सिचुएशन में काफी ज्यादा मदद कर सकता है। वैज्ञानिक प्लांट बेस्ड वैक्सीन कैसे बनाते हैं? वैसे यह सोचने पर काफी ज्यादा मुश्किल लगता है कि आखिर कैसे पौधों के जरिए किसी वैक्सीन का निर्माण किया जा सकता है, पर वैज्ञानिकों की माने तो यह काफी आसान है। इसमें वैज्ञानिक बीमारी वाले कुछ वायरस ग्रुप लेते हैं, जिसको मॉडिफाई किया जाता है, और ट्रांजिएंट एक्सप्रेशन नाम की टेक्निक के जरिए ऑस्ट्रेलियन ड्वार्फ टैबेस्को नाम के पेड़ की पत्तियों में इंजेक्ट कर दिया जाता है। यह एक ऐसा पौधा होता है जो काफी कम समय में ही काफी ज्यादा ग्रो कर सकता है, और सबसे बड़ी बात कि इसका इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा वीक भी होता है, जिसके चलते यह वायरसेस को डिटेक्ट या डिफीट नहीं कर पाता, जिसका मतलब यह वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छा पौधा है। इसलिए जब इसकी पत्तियों में मॉडिफाई वायरस ग्रुप इंजेक्ट किए जाते हैं, तो इसमें ये पौधा अधिक मात्रा में नॉन इन्फेक्शियस और नॉन रिप्लिकेटिव वायरस जैसे कण का उत्पादन करता है, जो कुछ ही हफ्तों के बाद इसके ग्रो हो जाने पर आप इसकी पत्तियों को पीस कर उससे निकाल सकते हैं, और बाद में इससे इंजेक्ट की जाने वाली वैक्सीन तैयार कर सकते हैं, जो काफी ज्यादा आसान होता है और सबसे बड़ी बात काफी सस्ता होता है।
यानी हम कुछ ही समय में बड़ी क्वांटिटी में वैक्सीन का उत्पादन कर सकते हैं, जिसे अगर किसी इंसान को दिया जाए तो इसमें जेनेटिक मटेरियल के बिना एक वायरस की तरह एंटीबॉडी सिस्टम ट्रिगर होता है और इंसान ठीक होने लगता है, और उसके शरीर में इस तरह के वायरस से भविष्य में लड़ने के लिए एंटीबॉडीज भी बन जाती हैं। इन पौधों का उपयोग हम वहां कर सकते हैं जहां लोगों के बीच कोई बड़ी बीमारी फैली हो जिसका इलाज काफी महंगा हो या वहां तक इलाज पहुंचाना काफी मुश्किल हो, जैसे अफ्रीका में फैला इबोला वायरस। इसलिए अमेरिका और इंग्लैंड जैसे कई देश प्लांट बेस्ड वैक्सीन पर लगातार रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हैं ताकि इसे पूरी तरह से सक्सेसफुल बनाया जा सके, क्योंकि अभी इससे होने वाला प्रभाव काफी ज्यादा कम है। पर कई वैज्ञानिकों का दावा है कि भविष्य में ज्यादातर सभी वैक्सीन का निर्माण प्लांट बेस्ड तरीके के जरिए ही किया जाएगा, जो कि आज के दूसरे तरीकों से बनाई जाने वाली वैक्सीन से भी ज्यादा कारगर होगी, जिसमें काफी ज्यादा डेवलपमेंट हम आज के समय में भी देख सकते हैं, जिसे आज के समय में कई देश उपयोग भी कर रहे हैं, जिसमें कनाडा पहला वह देश बना जिसने कोरोना वायरस के लिए भी प्लांट बेस्ड वैक्सीन को मंजूरी दी। इस वैक्सीन का नाम मेडिकागो कोविफेंज था, जिसे कनाडा की मेडिकागो कंपनी द्वारा प्लांट बेस्ड तकनीकी द्वारा विकसित किया गया था, जिसे कुछ समय पहले ही 18 साल से 64 साल की एज ग्रुप वाले लोगों के लिए मंजूरी दी गई। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में यह भी दावा किया कि यह वैक्सीन काफी प्रभावी है, जो 75-80% तक पेशेंट को कोरोना से बचाती है, जो काफी बड़ी बात थी, और यह काफी सस्ती वैक्सीन भी थी, जिसके कारण बड़ी मात्रा में इन वैक्सीन का प्रयोग किया गया, जिसका ज्यादा कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को नहीं मिला। रिपोर्ट के मुताबिक यह वैक्सीन लगने के बाद कुछ मरीजों में इसके साइड इफेक्ट देख सकते हैं। इनमें बुखार, जुकाम, डायरिया, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द और खांसी जैसे लक्षण शामिल हैं। वैक्सीन लगने के कुछ घंटों तक ये लक्षण देख सकते हैं, पर जल्दी ही ये सभी लक्षण समाप्त हो जाते हैं। कंपनी की ओर से जारी बयान के मुताबिक कोविफेंज वैक्सीन को दो अलग अलग डोजेज में दिया जाता है। वैक्सीन में पौधों के ऐसे कण हैं जो शरीर में नकली स्पाइक प्रोटीन तैयार करते हैं। शरीर का इम्यून सिस्टम इस प्रोटीन को बाहर निकाल देता है। ऐसा होने के बाद शरीर में इस प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी बनने लगती है। इस तरह इम्यून सिस्टम वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए अलर्ट हो जाता है। इनमें हर एक डोज को 21 दिनों के अंतराल में दिया जाता है, और इसके दो डोजेज दिए जाने के 2-3 दिन के बाद ही इंसान के अंदर मौजूद कोरोना वायरस पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, और उसके भविष्य में कोरोना वायरस इन्फेक्टेड होने की संभावना भी कम हो जाती है, क्योंकि उसके शरीर में इनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बन जाती है। प्लांट बेस्ड वैक्सीन के फायदे। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में भी बताया था कि प्लांट बेस्ड वैक्सीन के कई फायदे हैं। जब कोई बीमारी काफी तेजी से लोगों के बीच फैलती है तो यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसके लिए बनाए जाने वाले वैक्सीन का भी उत्पादन काफी तेजी से ही किया जाए, ताकि बीमारी के फैलाव को रोका जा सके। तो ऐसे में अगर प्लांट बेस्ड वैक्सीन सक्सेसफुल साबित होती है तो हम काफी तेजी से फैलने वाली बीमारियों को इंसानों में ज्यादा नुकसान पहुंचाने से पहले ही रोक सकते हैं। इसके अलावा जब कोई वैक्सीन पौधों से बनाई जाती है तो उससे होने वाले साइड इफेक्ट भी लगभग ना के बराबर रहते हैं। इन्हें बनाने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि क्योंकि इस तरह की वैक्सीन को पौधों से प्राप्त महत्वपूर्ण घटक का इस्तेमाल करके तैयार किया जाता है, और बाद में कई तरह के प्रोसेस से निकाल कर कई टेस्ट करके इसे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, इसलिए इसके ज्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं है, और जो साइड इफेक्ट हैं वह काफी ज्यादा छोटे हैं, जिन्हें काफी आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है, और यही कारण है कि इसे काफी कम उम्र के बच्चों को भी दिया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि क्योंकि यह काफी सस्ती होगी, इसलिए इसका प्रयोग उन देशों में भी किया जा सकता है जहां काफी ज्यादा गरीबी है या फिर लोगों की कमाई काफी कम है, क्योंकि ऐसी जगहों पर ही खतरनाक बीमारियों के फैलने का खतरा काफी ज्यादा होता है, और इस प्लांट बेस्ड वैक्सीन के जरिए वहां बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाई जा सकती है। पर यहां सवाल उठता है कि जब हमारे पास पहले से ही वैक्सीन को बनाने के कई तरीके मौजूद हैं, तो वैज्ञानिक नई तरह से प्लांट बेस्ड वैक्सीन बनाने पर काम क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है भविष्य। इंसान जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में तरक्की करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि दुनिया के कई बड़े और ताकतवर देश ऐसे बायो वेपन्स पर काम कर रहे हैं जो बहुत ही कम समय में किसी देश की बड़ी जनसंख्या को खतरनाक जानलेवा बीमारी से इफेक्ट कर सकते हैं, और यह कितना खतरनाक हो सकता है आप इसका एग्जांपल कोरोना वायरस से ही ले सकते हैं, जहां कोरोना वायरस ने कुछ ही महीनों के अंदर करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, और इसने महज कुछ साल के अंदर ही लाखों लोगों की जान तक ले ली। कई देशों का यह आरोप है कि ये भी एक तरह का बायो वेपन था जो चाइना द्वारा बनाया गया था, और अगर यह सच है तो हमें भविष्य में भी इस तरह के बायो वेपन्स और वायरस से बचने के लिए तैयार रहना होगा, और उसके लिए हम कई सालों में बनने वाली वैक्सीन पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हमें ऐसे तरीकों की जरूरत है जो बहुत ही कम समय में हमें ज्यादा मात्रा में ऐसी वैक्सीन बनाकर दे सके जो इन खतरनाक वायरस से लड़ने की क्षमता रखती हो,
और यह भी एक बड़ा कारण है जिसके चलते वैज्ञानिक अब ट्रेडिशनल तरीकों को छोड़कर प्लांट बेस्ड तरीकों से वैक्सीन बनाने पर जोर दे रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।